चलिए तो हम देखिए पंचमहल के अंदर से गुजर रहे हैं। यही पंचमहल है, देखिए कितने खम्भे लगे हैं, 176 खम्भे हैं इसमें। यही पंचमहल है, हम पंचमहल के अंदर से हम लोग एंट्री करके बाहर जा रहे हैं। सारे जितने भी खम्भे लगे हैं सब पंचमहल के ही खम्भे हैं। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हुआ है, काफ़ी अच्छा है दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट, देखिए पीछे का सीन है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, हिस्ट्री बताया गया है क्या किसका महल है। काफ़ी ग्राउंड है, काफ़ी नेचुरल जगह है दोस्त। भाई मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा ट्रिप पे जाता रहता हूं, आपको हर ट्रिप के बारे में कुछ कुछ नॉलेज बताएंगे जो काफ़ी अच्छा देखने को पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। भाई देखिए फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई महल के पीछे स्थित कुछ अच्छे तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा गिर चुके हैं लेकिन तब भी अच्छा है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, अब थोड़ा हम लेके चल रहे हैं आपको अस्तबल की तरफ। अस्तबल जहाँ पर घोड़े ऊँट बांधे जाते थे, जो थोड़ा लेफ्ट साइड में दिख रही जोधा भाई का यही महल है। इसमें जोधा भाई रहती थी, जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं बालकनी सीढ़ियाँ, उसमें से जोधा भाई अपने बाहर की तरफ कुछ देखती रहती थी। देखिए फाइनली हम लोग अस्तबल की तरफ चल ही रहे हैं। ये देखिए बीरबल का मकान है, इसमें बीरबल रहते थे। ये बीरबल का मकान है, आप लोग बीरबल का नाम और सुने होंगे। ये बीरबल का मकान, इसमें रहते थे वो। लेकिन हम इसमें आपको टॉयलेट दिखाते हैं, उस समय की टॉयलेट जो अकबर के ज़माने पर रहता था वो यूज करते थे। देखिए अकबर 400-500 बरस पुराने पहले ही लोग टॉयलेट का यूज करते थे, कितने महान थे, कितने चतुर थे। देखिए उस ज़माने की ये टॉयलेट है, जब अकबर बनवाए थे, अकबर के नौकरों चाकरों के लिए टॉयलेट था। उनकी पर्सनल टॉयलेट अलग होगा, वो हमें सरकार ने परमिशन नहीं दिया एंट्री करने के लिए। देखिए उनके यही टॉयलेट है, देखिए अंदर काफ़ी गहरा है, पानी बहने की फुल स्रोत है, आप पानी ऐसे बह सकता है। और ये उस ज़माने की टॉयलेट है, यहाँ जेंट्स लोग करते थे। और देखिए पीछे की टंकियाँ, उस समय टॉयलेट की टंकियाँ दिखाई दे रही है आपको, पीछे की टंकियाँ हैं। थोड़ा गिर चुकी है, 400-500 साल पुराना हो गया है, तब भी देखिए टॉयलेट काफ़ी अच्छा अभी भी पड़ा है, वैसे की वैसे काफ़ी सही है। तो उस समय में भी अभी हम लोग यहाँ 100 साल से लोगों को जागरूक हुए टॉयलेट के बारे में। लेकिन देखिए अकबर बादशाह, ये देखिए बीरबल के मकान के बारे में कुछ यहाँ मेंशन किया गया है, जो मैं आपको बताया हूँ बीरबल का मकान है। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, आप जाने बीरबल के कुछ डिटेल्स। अब फाइनली हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अस्तबल की तरफ, जो बहुत समय से इंतजार था, अस्तबल की तरफ ले चल रहे हैं जहाँ पर घोड़े हाथी ऊँट बांधे जाते थे। देखिए काफ़ी लंबा है, कितना लंबा कितना विशाल है, जहाँ पर अस्तबल को बांधने के लिए इतने अच्छे महल को बनाया गया था। यहाँ पर देखिए लेकर चल रहे हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें लाग लगा दिया, जाने की परमिशन नहीं है। देखिए उस समय की सीढ़ी कितना अच्छा था, दरवाज़ा भी काफ़ी अच्छा है। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, जो ताखा दिखाई दे रहा है इसमें घास भूसे रखे जाते थे जो खाते थे, और इसमें जो नीचे देखो छेद दिखाई दे रहा है इसमें बांधे जाते थे ऊँट घोड़े को, इसमें बांधते थे रस्सियों की सहायता से। तो अस्तबल है, देखिए चारों साइड कितना ज़्यादा बड़ा